कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अति भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, असल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। मालती के चीखने की आवाज थी, वो दरवाजे खटखटा रही थी। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन। माँ भगवान के लिए पागलपन छोड़ो, देखो खुद भी आराम से जियो और हमें भी आराम से जीने दो। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमको आराम से जीने नहीं देती। और नहीं तो क्या माँ, तुम ही सबके दरवाजे खटखटाते हो। क्या हो गया है तुम लोगों को? इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत कहां कि मैं भागती फिरूं? अरे लिए तो चलना फिरना भी मुश्किल है, समझते क्यों नहीं? ये उसी के चीखने की आवाज है, तुम्हारी बहन के चीखने की आवाज है। माँ जी, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ये सारा घर एक दिन पागल हो जाएगा। अब कोई चीख सुनाई दे दरवाजा मत खोलना, जाओ जी भैया। चलो चलो। बरसों बाद बिछड़ के मिली थी बेटी, जो कहानी तू मुझे बता के गई है मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभ गई है। कहाँ हो तुम, कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ कि हाँ तेरी आवाज कोयल की तरह गूंजती थी। आज सब कहते हैं तू यहां नहीं है, कहां हो तू? जानती हूँ तुम मेरे लिए कितना रोती हो,
कितना तड़पती हो, तुम कितनी अकेली हो गई हो अम्मा। मेरे दोनों भाई अपनी शादियों के बाद केवल अपनी पत्नियों के होकर रह गए हैं। वो तो ये बात भी भूल गए हैं कि मैं उन्हें बचपन में किस तरह राखी बांधा करती थी। मगर अम्मा, अब मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। सोहन, उस जमीन के बारे में पटवारी से मिले थे? जी बाबूजी। वो अपनी जमीन की वसूली के बारे में क्या हुआ? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो गया। अरे भाई, हमारी बिटिया रानी कहाँ है? ओ देखो। अरे ले, 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 वो आ गई हमारी बिटिया रानी। इस कोठे की इज्जत, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल का चैन। अरे अरे मेरी बिटिया। आओ मेरी बच्ची, मैं वारी जाऊं तुझ पर, मेरी जान मेरा जिगर हो तुम। और ये आपके लिए। इतने सारे पैसे मेरे लिए? और ये आपके लिए। अरे बाप रे, इतने ढेर सारे रुपए। अरे बाप रे, इतने ढेर सारे रुपए। मेरी मालती बिटिया, ये रुपए तो क्या, मेरी सारी दौलत, मेरा सब कुछ, तुम पर तो नेछावर है। दुहाई है मालिक, दुहाई, दुहाई है। सविता, मालती को संभाल, मैं जरा बाहर देख कर आता। दुहाई है मालिक, दुहाई है मालिक, दुहाई है मालिक। क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है? दुहाई है मालिक, आपकी प्रजा है मालिक। गए बरस बाढ़ में सारी फसल बह गई थी मालिक, आपसे बीज और खाद लेकर गया था, उसकी रकम चुका नहीं पाया। आपके लोगों ने मेरे बैल ले लिए मालिक, और मैंने रोका तो मार मार कर ये हाल कर दिया मालिक। मालिक, मालिक इंसाफ करो मालिक। रखो भैया। ये क्या किया तुमने, इतना कम मारा इस हराम खोर को कि अपने पैरों पर खड़ा हमसे जुबान लड़ा रहा है। तेरे बैल ही तो लिए है ना, जान तो नहीं ली ना तेरी। मालिक, मालिक किसान के पास बैल नहीं होंगे तो वो हल कैसे चलाएगा मालिक, अनाज कैसे उगाएगा मालिक। मालिक दया करो मालिक। देख रामदीन, तू चाहे कुछ भी कर, जब तक तू हमारी रकम वापिस नहीं लौटाएगा तेरे बैल वापिस नहीं मिलेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मालिक, दया करो मालिक, दया करो मालिक, दया करो, हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए मालिक। इस बार बरसात बहुत अच्छी हुई है मालिक, फसल भी बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, मुझे मेरे बैल वापस कर दीजिए,
मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा मालिक। दया करो मालिक, दया करो मालिक, दया करो, मुझे मेरी माल वापस कर दो। ले जाओ इसको मेरे सामने से और रकम वसूल करो इससे, ना दे तो मार मार कर नदी नाले में फेंक दो इससे। मालिक चल, चल मालिक, चल, 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 मालिक मालिक मालिक, गरीब क्या है मतलब मालिक, मालिक गरीब क्या तो उस मरे हुए चमड़े की तरह मालिक, जो लोहार की भट्टी में धोखनी मर कर लोहे को भी भस्म कर देती है मालिक। हमें बर्बाद मत करिए मालिक, हमें बचा लीजिए मालिक, मालिक मालिक दया करो मालिक, बचा लो मालिक, मालिक हमें बर्बाद मत करिए मालिक। लाल तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया तूने। भूख से तड़पते परिवार को जहर देने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुनिया शांतिलाल, मैं बदला लूंगा शांतिलाल, मैं बदला लूंगा, ऐसा बदला लूंगा कि तेरी सात पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भगवान कसम मैं तेरी कोठी से रोशनी छीन कर ले जाऊंगा शांतिलाल। प्रतिज्ञा है मेरी शांतिलाल, शांतिलाल। Thank you.
मालती यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी माँ। माँ संभालो अपने आप को, मालती आ जाएगी। सविता, सविता हिम्मत से काम लो, अपने आप को संभालो सविता। मालिक क्या बात है रघु? कोठी के दालान में रामदीन के बैल नहीं है और कोठी के पिछवाड़े में कीचड़ में पैरों के निशान मिले हैं। रामदीन, आज मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जलाकर राख दूंगा। ठीक कह रहा है? कसम मितर फुरेरी की हीरा भाई, जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर वो लड़की तुम्हारी सरपरस्ती में पल गई ना, तो फूल बनके इस बाजार में महकेगी। हाँ। क्यों, मेरी वफादारी पे तुम्हें कोई शक है? तो खुद निहार लो। हाथ कंगन को आरची क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, खुद चल के अपनी आंखों से देख लो। आओ आ जाओ। बड़ी मासूम और खूबसूरत है, किसी शरीफ और अमीर की रोशनी लगती है। हाँ हीरा भाई, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन ऐसा इस बाजार में पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ, इसी तरह यहाँ लड़कियां लाई जाती हैं, फिर उनके पैरों में घुंघरू बांधकर उन्हें बाजार में नचाया जाता है। और ये कोठा, ये कोठा उनका मुकद्दर बन जाता है। यहां से उनकी डोली नहीं उठती, बल्कि उनकी अर्थी, उनका जनाजा निकलता है। बोल, क्या कीमत लेगा तू इसकी? कीमत नहीं चाहिए मुझे। क्या मतलब? इसे यहां लाकर ही मेरी कीमत वसूल हो गई। तेरी बातों में गुस्सा और नफरत का लावा नजर आ रहा है। खैर, मैं तुझसे पूछूंगी नहीं। उसकी बात को छोड़ो हीरा भाई, मेरा हिस्सा। हाँ हाँ, मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। चलो चलो। तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी थी, कल मार डाला उसे मैंने। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मुझे माफ कर देना। मैं
माफ कर देना। अंगूरी, आप क्या उसी कोठी की याद कर रही थी? मैं अंगूरी नहीं हूँ, मैं मालती हूँ। बेटी, अब तुम अंगूरी हो, मालती नहीं। मालती तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो उस कोठी से बाहर निकली थी, और अब ये कोठा ही तुम्हारा मुकद्दर है, और तुम अंगूरी हो। अंगूरी? हाँ, अंगूरी। तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुझे कहां से उठाकर लाया गया है, तेरे गांव का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है। भूल जा अपने माजी को बेटी, सिर्फ इतना याद रख कि तू अंगूरी है, हीराबाई के कोठे की जीनत।
सविता, अब क्या कर लेगा कोई डॉक्टर? अरे मेरी छाती से कोई मेरा कलेजा ही काट कर ले गया। बरसों से मेरे साथ साथ पुलिस भी उसकी तलाश करती रही, अब तो उम्मीद ने भी जवाब दे दिया। मुझे तो रामदीन की बथुआ याद आ रही है। उसने कहा था कि गरीब की हाय उस मरे हुए चमड़े की तरह है जो लोहार की भट्टी में टोकरी बनकर लोहे को भी भस्म कर देती है। भगवान, मेरा सच क्या है वो तो तुम ही जानते हो। आज भी मेरी आंखों के सामने उस कोठी की याद वैसी की वैसी ही है। हाँ,
मोहन और सोहन भैया, माँ, बाऊजी, इनकी यादों पर धीरे धीरे धूल चढ़ती जा रही है। जब मैं यहाँ लाई गई थी तब भी मुझे याद नहीं पड़ता था कि वो कोठी कहाँ है, और आज भी याद नहीं पड़ता। भगवान, मैं नहीं जानती कि मैं वहां इस जन्म में जा पाऊंगी या नहीं। और वैसे भी मालती तो अब अंगूरी हो गई है, और अंगूरी का एक ही ठिकाना है, वो है आपका मंदिर। अंगूरी, अंगूरी, अनारकली, क्या बात है? जल्दी चलो, गोपालपुर से पार्टी आई है बड़े मुजरे के लिए। गोपालपुर, ये कहाँ है? मुझे क्या मालूम, ये तो हीराबाई को पता होगा। जल्दी जाओ। ठीक है, चलो। हीरा भाई, इस बात में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। क्यों भाई? हाँ भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अरे भाई, ये तो आप जैसे बड़े लोगों की मेहरबानी है, वरना हम क्या और हमारी औकात क्या। अब तो धीरे धीरे डेरेदार तवायफों के अड्डे भी खत्म होते जा रहे हैं, और अब जो तवायफे आ रही हैं वो इतनी गिरी हुई है कि उन्होंने हमारा नाम ही खराब कर दिया है। हीरा भाई, हमारे इलाके में अंगूरी का बड़ा नाम है। सीतामढ़ी के मेले में एक रईस ने उसका मुजरा देखा, उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ आए हैं। अरे सरकार, अंगूरी तो बस अंगूरी है, हाथ छुए तो मैली हो जाती है। इसीलिए हम 2 रात के 10,000 रुपए देंगे आपको। लो, अंगूरी भी आ गई। आजा बेटी, आजा, 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 आजा। हीरा भाई, माफ कीजिएगा, हमने तो कुछ और ही सोचा था, पर ये तो कुछ और ही निकली। अब रकम 10 नहीं, 20 होगी, 20। शुक्रिया। बेटी, ये गोपालपुर के जमींदार हैं, इनके छोटे भाई की शादी है, तुम्हारे को मुजरे के लिए बुलाने आए हैं। आने वाली 20 तारीख को ही शादी है। 19 के दोपहर को ही मोटर कार भिजवा देंगे आपको। जी शुक्रिया। हीरा भाई, ये रखिए पेशकी। अच्छा, हम चलते हैं। इजाजत। बेटी प्रणाम करो। क्या हुआ? नहीं,
कुछ नहीं बेटी, बहुत देर हो रही है, जमींदार साहब इंतजार करते होंगे। चलो